अररिया और बांका में बैंक लूट की घटनाएं, बिहार में बैंक लूट बना धंधा। बांका जिले के कटोरिया थाना के कटोरिया बाजार के स्टेट बैंक में पुलिस अब खाक छान रही है। देवघर रोड के इस बैंक में लुटेरों ने दिन दहाड़े डाका डाला था। मैनेजर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। शुक्रवार को दिन दहाड़े चार बदमाश बैंक में घुसे और कैश काउंटर को कब्जे में ले लिया। यहां से तकरीबन 5 लाख रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए। बदमाश 6-7 की संख्या में थे। बैंक में लूट के वक्त हालांकि 50 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि अपराधियों का सामना कर सके। बांका के कटोरिया बाजार में SBI में डाका, हथियार के बल पर करीब 5 लाख की लूट। दिन दहाड़े बैंक को बनाया निशाना। अभी तो कॉन्टेक्ट सही से बता नहीं पाएंगे, चार लगभग 4 किलो। पुलिस के लिए बांका की ये बैंक लूट किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। शुक्रवार को ही अररिया में भी एक बैंक को निशाना बना दिया गया। अररिया में भी SBI की शाखा में डकैती। गीतवास में लुटेरों ने लूटे करीब 4 लाख। चौकीदारों को घायल कर गए लुटेरे। अररिया की रानीगंज में गीतवास बाजार की SBI शाखा को बेखौफ अपराधियों ने निशाना बनाया और करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। दो चौकीदारों ने अपराधियों के सामने हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन उन्हें घायल कर दिया गया। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। दोनों वारदातों के बाद बैंक में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में बैंक लूट अब अपराधियों का धंधा बनता जा रहा है? बांका से वीरेंद्र और अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।